दोस्तों टच में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों मोबाइल इंटरनेट डेटा पूरे रात दिन चलाओ, जितना मर्जी हो मूवी देखो, गाना सुनो, ऐप डाउनलोड करो, बड़ा सा बड़ा मूवी डाउनलोड करो, फिर भी मोबाइल में इंटरनेट डेटा खत्म होने का नाम तक नहीं लेगा। चाहे आपके मोबाइल में 1 GB इंटरनेट डेटा का प्लान क्यों ना हो, अगर आपके मोबाइल में डेली का 1 GB इंटरनेट डेटा मोबाइल के अंदर मिलता है और जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है और आप इससे परेशान रहते हो ना, तो मैं आपको 4 खुफिया सेटिंग के बारे में बताऊंगा जो आपके फोन के अंदर छुपा हुआ है। अगर आप ये चारों सेटिंग को बंद कर देते हो ना, तो आपका 1 GB इंटरनेट डेटा जो मोबाइल के अंदर डेली मिलता है ना, वो खत्म होने का नाम तक नहीं लेगा। सुबह से लेकर रात तक चलाओगे ना, जितना मर्जी मूवी देखो, गाना सुनो, ऐप डाउनलोड करो, फिर भी 1 GB इंटरनेट डेटा खत्म होने का नाम तक नहीं लेगा। ये चारों सेटिंग को आपको फोन के अंदर बंद करना होगा, जिसके बारे में आप लोग को नहीं पता होगा लेकिन आपके फोन के अंदर छुपा हुआ। ये सेटिंग के बारे में जानना चाहती हो ना, वीडियो को पूरा देखना। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं कहता हूं वीडियो स्टार्ट, मेरा नाम सितारे और आप देख रहे हो गटोगा यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आप सबसे पहले जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, एक छोटी से काम करना होगा, इस वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कीजिएगा, बिल्कुल फ्री होता है। दोस्तों वीडियो बनाने में, टॉपिक ढूंढने में काफी मेहनत लगता है, लेकिन अगर आप एक लाइक कर देते ना, मुझे काफी मोटिवेशन, खुशी होता है, फ्री होता है लाइक करना। चलो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल पर गॉल पे सेट कर दीजिएगा इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करना कमेंट के अंदर। जो आप लोग को अनलिमिटेड आपको डेटा सेवर कमेंट के अंदर आपको जरूर लिखना होगा। तो बस छोटी सी काम करने के बाद उस आपको करना क्या होगा, मैं आपको सबसे पहला सेटिंग के बारे में बताऊंगा जो बिल्कुल खतरनाक सेटिंग है, जो आपको सबसे ज्यादा इंटरनेट डेटा यूज करता है, जो आपको पता भी नहीं चलता है। यानी कि सुबह सुबह क्या करता है, मोबाइल इंटरनेट डेटा को ऑन करते ही आपको जल्दी जल्दी इंटरनेट डेटा खत्म होने लगता है, मोबाइल को यूज भी नहीं करते, जो आप लोग को नहीं पता होता। एक सेटिंग बताऊंगा जो खतरनाक सेटिंग है, जो आपको बंद करना होगा। कौन से सेटिंग है, तो ये जो सर्च बार है ना, सर्च बार पर यहां पे लिखना होगा डेटा, यहां पे आपको यूजिंग लिखना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हो यहां पे यूजिंग आपको लिखना पड़ेगा। जो पहला जो सेटिंग है ना, इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे आपको पता लगाना है कि कौन सा एप्लीकेशन बैकग्राउंड के अंदर सबसे ज्यादा डेटा यूज करता है, जो आपको कानों कान खबर भी नहीं होता है। जैसे कि यहां पे Instagram, Instagram पे मैं क्लिक कर देता हूं, क्योंकि हर कोई जो ना Instagram के अंदर रील्स वीडियो देखते हैं, ज्यादातर वीडियो देखते हैं, और मोबाइल के इंटरनेट डेटा जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है ना। एक सेटिंग बताऊंगा जो आप लोग को नहीं पता होगा। नीचे जाओगे ना तो यहां पर क्या लिखा हुआ, यहां पर बैकग्राउंड डेटा, यहां पर लिखा ना बैकग्राउंड डेटा, और सबसे ज्यादा इंटरनेट डेटा को यूज कर रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड डेटा को आपने ऑन करके रखा है। इंस्टाग्राम को यूज करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंटरनेट डेटा यूज करेगा, तो बैकग्राउंड डेटा को आपको बंद कर देना होगा। जैसे बैकग्राउंड डेटा को बंद करोगे ना, इसी तरह से आप सभी एप्लीकेशन को, इंटरनेट डेटा को, बैकग्राउंड को बंद कर देते ना, तो बैकग्राउंड में डेटा जो ना कभी एप्लीकेशन यूज नहीं करेगा। ये पहला सेटिंग करना काफी जरूरी है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बता देता, दूसरे नंबर का बिल्कुल खतरनाक तबाही खुफिया सेटिंग के बारे में बताऊंगा, जो जल्दी से बंद करना होगा, नहीं तो मोबाइल के इंटरनेट डेटा बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, आपको पता तक नहीं चलेगा। तो दूसरा सेटिंग कौन सी है, तो मोबाइल के सेटिंग में जाना होगा। फिर से सेटिंग में जाने के बाद नीचे जाओगे ना, तो यहाँ पे बैटरी एंड परफॉर्मेंस नाम करके सेटिंग मिलेगा। कुछ लोग बोलेंगे आप तो डेटा सेवर के बारे में सेटिंग बता रहे हो, तो बैटरी एंड परफॉर्मेंस के अंदर सेटिंग जाने से क्या फायदा। दोस्तों इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट सेटिंग है, जो कंपनी वाले खुद देते हैं, जो आप लोग को नहीं पता होगा। चार सेटिंग बताऊंगा जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट सेटिंग है। दूसरा नंबर का सेटिंग बैटरी एंड परफॉर्मेंस सेटिंग के अंदर ही मिलेगा। इस पे क्लिक करोगे ना, क्लिक करने के बाद दोस्तों ये जो सेटिंग से देख रहे हैं, सेटिंग आईफोन पे क्लिक करोगे ना, जैसे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे क्या लिखा हुआ, टर्न ऑफ मोबाइल डेटा, यहां पे डिवाइस इज लॉकेड। यानी कि दोस्तों क्या होता है कि जब भी आप अपने मोबाइल के अंदर इंटरनेट डेटा को ऑन करते हो ना, ऑन करने के बाद क्या होगा कि मोबाइल स्क्रीन को लॉक कर देते हैं, आपको लगता है कि डेटा तो यूज नहीं करेगा, लेकिन आपका सोचना बिल्कुल गलत है। मोबाइल का इंटरनेट डेटा ऑन है और मोबाइल स्क्रीन को लॉक भी कर दोगे ना, फिर भी इतना तेजी से इंटरनेट डेटा यूज होता है जो आपको पता तक नहीं चलेगा। लेकिन कंपनी वाले स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, जो सेटिंग देता है लेकिन आप लोग यूज नहीं करते हैं। तो आपको कौन सा सेटिंग को ऑन यहां पे करना होगा, यहां पे नेवर है ना, इस पे क्लिक करोगे ना, तो यहां पे 5 मिनट, 10 मिनट, यहां पे 30 मिनट होगा। तो यहां पे 5 मिनट यहां पे डालोगे, डालने के बाद मोबाइल इंटरनेट डेटा को ऑन कर दिए, ठीक है, ऑन करने का मोबाइल स्क्रीन को लॉक कर दोगे ना, तो 5 मिनट के बाद मोबाइल का इंटरनेट डेटा यहां पे बंद हो जाएगा, यानी कि ऑफ हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, और इससे मोबाइल का इंटरनेट डेटा काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, बचेगा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये सेटिंग करना काफी जरूरी है। अब बात करते हैं, यहां पे मैं आपको तीसरा नंबर का बिल्कुल इंपॉर्टेंट सेटिंग बताऊंगा, जो बिल्कुल खतरनाक सेटिंग है, जो सबसे ज्यादा इंटरनेट डेटा ये गूगल प्ले स्टोर यूज करता है, जो आपको कानों कान खबर भी नहीं होगा। आपके दिमाग में आता होगा कि ये प्ले स्टोर क्यों डेटा मेरा यूज करेगा, मैं आपको इसका सच्चाई बता देता हूं, इसका राज मैं आपको
को खुलने वाला पोल खुलने वाला प्ले स्टोर सबसे ज्यादा डेटा यूज करता है जो आपको पता तक नहीं चलेगा कैसे डेटा यूज करता है मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना होगा। ओपन करने का प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, सेटिंग्स में जाओगे। जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यहाँ पे नेटवर्क परफॉर्मेंस आपको दिखने को मिला। नेटवर्क परफॉर्मेंस इस सेटिंग पे मैं क्लिक करूंगा ना, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यहाँ पे ऑटो अपडेट्स ऐप होगा। जैसे कि आप देख रहे हो आपने क्या सिलेक्ट किया, ओवर एनी नेटवर्क। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जैसे आप अपने मोबाइल के इंटरनेट डेटा को ऑन करोगे ना, आपके मोबाइल के अंदर जितनी भी ऐप है यानी कि 50-60 एप्लीकेशन है और सभी एप्लीकेशन डेली अपडेट आते रहते हैं। कोई 50 MB का अपडेट आता है, कोई 100 MB का, कभी 150 MB का, 200 MB का, सभी एप्लीकेशन इतना MB का जो ना अपडेट होना स्टार्ट कर रहे डेली। तो ऐसे चुटकियों में आपका डेटा खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे में क्या कर सकते हो कि आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है, यहाँ पे ऑटो अपडेट्स ऐप है ना, डू नॉट ऑटो अपडेट्स में यहाँ पे सिलेक्ट कर देना। सिलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक बिना परमिशन का कोई भी एप्लीकेशन अपडेट नहीं होगा। इससे डेटा को आप बचा सकते हो, सेव कर सकते हो। आप जो ना 24 घंटा इंटरनेट चलाओगे फिर भी डेटा खत्म नहीं होगा। यहाँ पे दूसरा सेटिंग यहाँ पे मिल जाएगा ऑटो प्ले वीडियो, इसको भी आपको डू नॉट ऑटो प्ले वीडियो पे डाल दोगे। इससे क्या होगा कि बैकग्राउंड के अंदर कोई भी वीडियो यहाँ पे प्ले नहीं हो पाएगा, इससे भी आपका डेटा यहाँ पे बचने वाला है। तो मैंने आपको 3 सेटिंग बता दी जो काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग है। अब बात करते हैं यहाँ पे 4 नंबर का सेटिंग के बारे में बताऊंगा जो आपको जल्दी से आपको बंद करना है। और ये सेटिंग आपको कहाँ पे मिलेगा, यूट्यूब ऐप के अंदर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यूट्यूब ऐप का इस्तेमाल तो हम सभी करते हैं, यूट्यूब पे आप मूवी देखते हो, वीडियो देखते हो, गाना सुनते हो और सबसे ज्यादा आपको पता है कि सबसे ज्यादा इंटरनेट डेटा यूज करता है ये यूट्यूब, जो आपको नहीं पता होता है। लेकिन इसके अंदर जो सेटिंग दिया होता है जो कंपनी वाले देते हैं लेकिन आप लोग को नहीं पता होगा, लेकिन ऑन करते ही आप जितना मर्जी आप मूवी देखो गाना सुनो फिर भी डेटा खत्म नहीं होगा। जी हाँ, कैसे आपको सेटिंग करना है, कहां पर मिलेगा यूट्यूब ऐप के अंदर, तो सबसे पहले यूट्यूब ऐप को ओपन कर लेना होगा। सबसे पहले करना क्या होगा, ये प्रोफाइल पे क्लिक करना होगा, प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करोगे, सेटिंग्स में जाओगे। जैसे सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे डेटा सेविंग नाम करके एक डेडिकेटेड यहाँ पे सेटिंग दिया गया कंपनी वाला, डेटा सेविंग पे क्लिक करोगे ना, ये सेटिंग बंद है, बंद नहीं करना, इस सेटिंग को आपको ऑन कर देना। ऑन करने का सारा सेटिंग यहाँ पे ऑन हो चुका। ऑन होने के बाद डेटा को कैसे बचा सकते हो, यहाँ पे मोबाइल डेटा यूजिंग रिमाइंड होगा, इस सेटिंग को ऑन करोगे ना। ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जब भी आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो और आप डेटा बचाना चाहते हो तो आपको पता नहीं चलता, यूट्यूब पे अनलिमिटेड आप वीडियो देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको जो ना रिमाइंड सेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने 100 MB पे डाल दिया, अगर आप अनलिमिटेड यूज करते हो डेटा ज्यादा है तो आप GBP रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे MB यहाँ पे मैं बचाने वाला डेटा को, तो 100 MB मैंने यहाँ पे डाल करके यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो क्या होगा कि जब भी आप मैं कोई वीडियो देखूंगा या मेरा भी वीडियो आप देखोगे तो 100 MB यूज करेगा ना, तो आपको फटाक से आपको रिमाइंड बता देगा कि आपने जो ना यूट्यूब पे जो ना आपको 100 MB आपने यूज कर लिया। तो आप चाहते हो कि एक्सटेंड करना चाहते हो डेटा को और बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, बंद करने को बोलेगा तो आपको सेटिंग को बंद करना होगा। तो ये सेटिंग जो है काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग जो कंपनी वाले खुद देते हैं, अगर आप ये 4 सेटिंग आप अपने फोन में बंद कर देते हो ना, तो यकीन मानना जो 100% वर्किंग सेटिंग है, जो आप 1 GB इंटरनेट डेटा को 24 घंटा आप चलाओगे, जितना मर्जी आप वीडियो देखो, गाना सुनो, ऐप डाउनलोड करो, मूवी डाउनलोड करो, फिर भी डेटा खत्म नहीं होगा। जरूर ट्राई कीजिएगा, 100% वर्किंग सेटिंग है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल पे लॉल पे सेट करना। दोस्तों फिर मिलेंगे दोस्तों अपने क्या लेकर, टेक केयर एंड गुड बाय।